हेलो प्यारे बच्चों, आपको आज सिखाएंगे गुणा करना। गुणा का वो तरीका जो आपने अभी तक नहीं सीखा होगा। आपको गुणा आती है, चलिए गुणा करके दिखाइए मुझे। 96 गुणा 94 करिए इसको। मुझे पता है आप कैसे करेंगे। आप 96 लिखेंगे, नीचे 94 लिखेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे इस तरीके से जो आप करते आए हैं, जो आप पीछे करते आए हैं। इस तरीके से आप करोगे तो 2 या 3 मिनट लगा दोगे इसमें। ये गुणा आप करके दिखाओ मुझे 2 या 3 सेकंड में। नहीं, कैलकुलेटर से नहीं, आप तो कैलकुलेटर की तरफ दौड़ पड़े। कैलकुलेटर से नहीं, यही गुणा आप मुझे करके दिखा सकते हो 2 या 3 सेकंड में बिना कैलकुलेटर के। जी हाँ, बिना कैलकुलेटर के। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखिए वो ट्रिक जिससे आप 2 संख्याओं के गुणा, 100 के नज़दीक की 2 संख्याओं के गुणा कर सकते हैं सेकंडों में कैलकुलेटर की स्पीड से। जी हाँ, कैलकुलेटर की स्पीड से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए इस मैजिक को। बच्चों, फर्स्ट ट्रिक करते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 95 गुणा 98। अब देखिए, 95 100 से कितना कम है? 100 से 5 कम है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे इस तरह से, क्रॉस। अब 95 में से 2 घटाओ या 98 में से 5 घटाओ, दोनों एक समान आएंगे, समान आएंगे। कोई सा भी कर सकते हैं आप। 95 में से 2 गया 93। अब 5 और की गुणा और -2 की गुणा कितनी आएगी? 10। तो 93 10 इसके आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और लेते हैं 99 96। 100 से कितना कम है? 100 से 1 कम है। 100 से कितना कम है? 4 कम है। क्रॉस का निशान लगाएंगे, 99 में से 4 को घटाएंगे या 96 में से 1 को घटाएंगे, सेम आएगा, कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 95। 95 -1 और -4 की गुणा मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 4। अब बच्चों, यहाँ पर हम ये कम है तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा 96। 94, 4 कम 6 कम, ये हमारे पास आएगा 96 में से 6 गया 90। 4 -4 × -6 = 24। अब नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। अगर बच्चों संख्याएं हो 100 से ज़्यादा, 104 गुणा 105 लेते हैं हम, ये हमारे पास 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। क्रॉस, 104 में 5 जोड़ेंगे 109 आएगा, 105 में 4 जोड़ेंगे, 104 में 5 जोड़ेंगे, सेम आएगा 109, किसी को भी ले सकते हैं आप। 4 गुना 5 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 109 गुणा 108, 100 से 9 ज़्यादा, 100 से 8 ज़्यादा, 109 में 8 जोड़ेंगे 117, 9 गुना 8 9 8 72, 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3 करते हैं बच्चों। अगर आपके पास मान लो संख्याएं हैं, एक संख्या आपके पास है 100 से ज़्यादा और एक संख्या आपके पास है 100 से कम, तो उनके गुणा कैसे करोगे? तो वेरी सिंपल बच्चों, यहाँ पर ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। ये 100 से कितना कम है? 4 कम है तो घटा, ज़्यादा है तो जमा। क्रॉस लगाएंगे इस तरह से। अब 104 में से 4 को घटाओ या 96 में 4 को जोड़ो, सेम आएगा, ये आपके पास आएगा 100। इसके बाद इन दोनों की गुणा जो हम करते आए पीछे भी, -4 गुणा 4 -16, यहाँ पर 2 0 लगाएंगे और इसमें से 16 घटा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9984, यही आपका आंसर होगा। 106 गुणा 93, ये आपके पास 100 से 6 ज़्यादा है, ये 100 से 7 कम है। 106 में 7 घटाओ या 93 के अंदर 6 को जोड़ो, दोनों ही केस में आपके पास आएगा 99। फिर इन दोनों की गुणा 6 गुणा -7 -42, तो इसके अंदर 2 0 लगाएंगे और 42 घटाएंगे क्योंकि घटा का 42 है, तो ये आपके पास बच जाएगा बच्चों 9858, ये आपका उत्तर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 103 गुणा 92,
सौ से कितना कम ज़्यादा है? तीन ज़्यादा। सौ से कितना कम है? आठ। क्रॉस, 103 में से 8 घटाओ या बानवे के अंदर 3 को जोड़ो, दोनों ही केस में आपके पास आएगा 95। 3 × -8 माइनस के 24 घटाओ इसके अंदर से, ये हमारे पास बच जाएगा 9476। यही हमारा आंसर होगा। 104 × 97, 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 3 कम। 104 में से 3 गया 101, 4 × 3 माइनस के 12, ये हमारे पास आ जाएगा 10088। तो देखा बच्चों आपने, इन तीनों ट्रिकों को अपना करके आप गुणा को कर सकते हो सेकंडों में कैलकुलेटर की स्पीड से। तो आपका दिमाग है वो कैलकुलेटर की तरह दौड़ने लगेगा। मैंने बताया था आपको शुरू में कि आपका दिमाग ही कैलकुलेटर बन जाएगा। तो बच्चों इन ट्रिकों को फॉलो करके आप फटाफट चुटकियों में सेकेंडों के अंदर गुणा को निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।